हॉलीवुड डायरी के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम 2017 की रशियन हॉरर मूवी द ब्राइड को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। ये नास्त्या नाम की एक कॉलेज स्टूडेंट और उसके मंगेतर इवान की कहानी है। इस फिल्म को स्वायतास्लाव ने डायरेक्ट किया है। विक्टोरिया ने नास्त्या और व्याचेस्लाव ने इवान का किरदार निभाया है। हम आपको बता दें कि यह फिल्म सिर्फ रशियन लैंग्वेज में अवेलेबल है, यहाँ तक कि इसका इंग्लिश डबिंग का वर्जन भी अवेलेबल नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। नास्त्या अपने मंगेतर इवान से शादी कर लेती है और शादी के ठीक बाद इवान की बहन उसे और नास्त्या को घर बुलाती है। इसके बाद नास्त्या और इवान इवान के पैतृक घर जाते हैं। वहाँ इवान की बहन लीजा नास्त्या को वेलकम करती है। लीजा पेशे से एक नर्स है और उसके दो छोटे बच्चे भी हैं। इसके अलावा वहाँ इवान के पिता भी रहते हैं। लीजा नास्त्या को उसका रूम दिखाने ले जाती है और वो नास्त्या को बताती है कि उसकी दादी भी यहीं रहती है, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और वो ज़्यादातर समय अपने रूम में ही रहती हैं। इसके बाद रात को डिनर के समय लीजा नास्त्या को एक रिंग देती है और वो इन दोनों को बोलती है कि अब पारिवारिक रीति रिवाज से तुम लोगों की शादी करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि इन सब बातों से इवान खुश नहीं है और वो अगले ही दिन जाना चाहता है, लेकिन उसकी बहन उसे रोक लेती है। यहाँ हम आपको यह भी बता दें कि जो रिंग या अंगूठी लीजा ने नास्त्या को दिया है वो अंगूठी एक तरह से श्रापित है। इसके बाद रात में नास्त्या के साथ अजीब घटनाएँ स्टार्ट हो जाती हैं। वो इवान को इसके बारे में बताती है पर वो उसे नज़रअंदाज कर देता है और फिर रात में नास्त्या की नींद खुलती है तो वो बेड पर इवान को नहीं पाती। तभी वो रूम से बाहर जाती है। तभी वो इवान और लीजा की बातें सुनती है। यहाँ लीजा बोल रही होती है कि यदि हमने ये नहीं किया तो वो सबको मार देगा, और इवान लीजा को बोलता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ इसलिए मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। नास्त्या अपने रूम में वापस आ जाती है। जब इवान आता है तो वह नास्त्या को बोलता है कि कल हम यहाँ से चले जाएंगे, तुम अभी सो जाओ। अगली सुबह जब नास्त्या सोकर उठती है तब वहाँ इवान नहीं होता। नास्त्या जब नीचे लिविंग रूम में जाती है तो उसे दीवार पर एक औरत और एक आदमी की तस्वीर दिखती है। नास्त्या लीजा से पूछती है कि इवान कहाँ गया है तो लीजा बोलती है कि वो अपने दोस्तों से मिलने शहर गया है। नास्त्या को ये बात बहुत ही अजीब लगती है और वो लगातार इवान को कॉल कर रही होती है पर उसका फ़ोन आउट ऑफ रीच जाता है। नास्त्या को उस घर के बाहर कुछ लोगों की कब्र दिखती है। तभी लीजा वहाँ आती है और लीजा नास्त्या को एक वेडिंग ड्रेस देती है। इससे पहले नास्त्या को कुछ फ़ोटोज़ दिखती हैं। जब वो लीजा को पूछती है कि क्या ये लोग सो रहे हैं, लीजा उसे बताती है कि ये लोग मर गए हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि ये फ़ोटोज़, वो वेडिंग ड्रेस, वो अंगूठी जो लीजा ने नास्त्या को दी थी और वो फ़ोटोज़ जो लिविंग रूम में नास्त्या ने देखी थी, इनके बीच में एक गहरा संबंध है। लीजा नास्त्या को वो वेडिंग ड्रेस पहनाती है और फिर से उसे वो रिंग देकर पहनाती है। वो उसे बोलती है कि ये सब हमारे परिवार का रिवाज है। लीजा नास्त्या को बताती है कि ये ड्रेस और रिंग उसकी दादी की है और परिवार के रिवाज के अनुसार ये चीज़ें नई बहू को दी जाती हैं और हम अपने परिवार के रिवाज के अनुसार तुम्हारी शादी करवाएंगे। इसके बाद नास्त्या इंटरनेट पर इस तरह के रीति रिवाजों के बारे में देख रही होती है। तभी उसे अलमारी से कुछ आवाज़ आती है। जब वो अलमारी खोलती है तो उसे उसके अंदर एक खुफिया दरवाज़ा दिखता है और उसके पीछे खुफिया रास्ता होता है जो घर के हर कोने तक कनेक्टेड होता है। नास्त्या को वहाँ लीजा का बेटा यानी इवान का भांजा मिलता है। वो नास्त्या को अंदर लेकर जाता है जहाँ अंदर उसकी बहन का कहीं पैर फंस गया होता है। नास्त्या उनकी हेल्प करने के लिए उस खुफिया रास्ते में जाती है। तभी उसकी हेल्प करने के बाद वहीं बाजू में एक सीक्रेट रूम होता है। नास्त्या उस रूम के अंदर चली जाती है और वो बच्चे भी अंदर जाते हैं। तभी वहाँ अंधेरे में कोई परछाई जैसी होती है। वो बच्चे उसे देखकर बोलते हैं कि वो आ गई है। नास्त्या कुछ समझ नहीं पाती। यहाँ ये परछाई कोई और नहीं बल्कि द ब्राइड थी। इसके बाद नास्त्या अपने रूम में वापस आ जाती है। तभी एक बार फिर उसके साथ अजीब घटनाएँ शुरू हो जाती हैं। नास्त्या जब आईने में देख रही होती है तभी उसे उसके पीछे उसकी जैसी एक और नास्त्या दिखती है। वो डर कर घर से बाहर भागती है। उसके पीछे वो दूसरी नास्त्या भी आ जाती है। तभी नास्त्या डर कर ज़मीन पर गिर जाती है
और बेहोश हो जाती है। और फिर नास्त्या अपने आप को उसी घर में लेकिन कई साल पहले पाती है। नास्त्या जब घर के अंदर जाती है तो वहाँ उसे इवान के दादा दिखते हैं, जिन्हें मूवी के स्टार्ट में भी दिखाया गया था। वहाँ कुछ और लोग भी होते हैं जो ऊपर वाले रूम में से डर कर भाग रहे होते हैं और इवान के दादा को भी वहाँ जाने से रोकते हैं, लेकिन इवान के दादा नहीं रुकते और उस रूम के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद नास्त्या को होश आता है और वो खुद को बेड पर पाती है। यहाँ लीजा और एक डॉक्टर भी होती हैं। डॉक्टर नास्त्या को दवाइयाँ देती है और फिर लीजा के जाने के बाद ये डॉक्टर नास्त्या को अजीब कहानी सुनाते हुए पूछती है कि क्या वो वर्जिन है। नास्त्या उसे हाँ बोल देती है, लेकिन नास्त्या वर्जिन नहीं थी। यहाँ हम आपको बता दें कि वो डॉक्टर भी इवान की परिवार की एक सदस्य थी। इसके बाद हम देखते हैं कि नास्त्या अभी भी लगातार इवान को कॉल कर रही होती है, लेकिन कॉल ना लगने के कारण वो इवान के लिए वॉइस मैसेज छोड़ती है। नास्त्या उसे बोलती है कि इस घर में कोई शैतानी शक्ति है और वो अब यहाँ नहीं रह सकती, इसलिए वो घर छोड़कर भाग रही है। जब वो घर छोड़कर जा रही होती है तभी वो लीजा और डॉक्टर की बातें सुनती है। वो आपस में बात कर रही होती हैं कि यदि नास्त्या वर्जिन ना हुई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अलावा लीजा बोल रही होती है कि इवान शहर जाकर बदल गया है और अब वो अपने परिवार वालों को ही धोखा दे रहा है। नास्त्या जब कार में बैठकर भागने वाली होती है तभी वो घर से बाहर डॉक्टर एग्लाया को जाते देखती है। वो उसका पीछा करती है। वो उस डॉक्टर को एक घर में जाते देखती है जहाँ इवान को कैद कर इन लोगों ने रखा होता है। जब एग्लाया वहाँ से निकल कर चली जाती है तब नास्त्या खिड़की से इवान को आवाज़ लगाती है। इवान नास्त्या को वहाँ से भागने को बोलता है पर वो समझ नहीं पाती और तभी वहाँ द ब्राइड आती है। इस शैतान द ब्राइड के आते ही नास्त्या के नाक से खून आने लगता है और फिर नास्त्या उस शैतान ब्राइड को देख पाती है। नास्त्या इस शैतान के प्रभाव से बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। वो भाग भी नहीं पा रही होती, लेकिन जब वो भागने की कोशिश करती है तो वो एक नए खुदे हुए कब्र में गिर जाती है। जब वो उस गड्ढे के अंदर होती है तब भी नास्त्या उस शैतान की मौजूदगी का एहसास कर पा रही होती है। इसके बाद जब ब्राइड वहाँ से चली जाती है तो नास्त्या बाहर निकलती है। वहाँ इवान का पिता होता है और वो नास्त्या को वापस घर के अंदर ले जाता है। ये लोग नास्त्या को ज़बरदस्ती चाय पिलाते हैं। इस चाय में एक दवाई मिली होती है जिस कारण नास्त्या बेहोश हो जाती है। बेहोश होते ही नास्त्या खुद को एक बार फिर कई साल पहले यानी पास में पाती है और वो फिर से उसी घर में इवान के दादा को देखती है। जैसे कि आपको याद होगा, इससे पहले जब नास्त्या बेहोश हो गई थी उसने खुद को पास में इसी घर में इवान के दादा को रूम के अंदर जाते देखा था और इस बार नास्त्या भी रूम के अंदर जाती है। वो इवान के दादा को एक औरत के साथ देखती है जो बीमार जैसी होती है। ये औरत देखते ही देखते एक शैतान में बदल जाती है और फिर इवान के दादा को भी जान से मार देती है और फिर वो नास्त्या पर भी हमला करती है। यहाँ हम आपको बता दें कि इस बारे में मूवी के शुरुआती सीन में भी दिखाया गया था। यहाँ इवान के दादा ने उनकी पत्नी के मौत के बाद उसे वापस हासिल करने के लिए एक रिचुअल किया था। इसकी शुरुआत 1832 में एक वैज्ञानिक ने की थी जब उसने एक नए प्रकार के सिल्वर का इस्तेमाल कर ऐसे लेंस बनाए जिसके द्वारा लिए जाने वाले फ़ोटो से मरे हुए लोगों के प्रतिबिंब के साथ सोल को भी कैद किया जा सकता था। यानी जब उस लेंस से किसी मरे हुए इंसान की फ़ोटो खींची जाती तो उसकी बॉडी से जो लाइट रिफ्लेक्ट होती उसके साथ साथ उस मरे हुए व्यक्ति की आत्मा भी उस लेंस में कैद हो जाती थी। हालांकि साइंस ने इस आविष्कार को नकार दिया, लेकिन लोगों ने इसे एक अनुष्ठान के तौर पर अपना लिया जिसके ज़रिए वो मरे हुए लोगों को वापस बुलाते थे। और मूवी के शुरुआत में इवान के दादा को दिखाया गया था, उसने अपनी मरी हुई पत्नी की आत्मा को इसी रिचुअल के द्वारा एक वर्जिन लड़की के शरीर में ट्रांसफ़र किया था। इस अनुष्ठान से पहले मरे हुए इंसान की उसी लेंस वाले कैमरे से फ़ोटो लेते हैं और फ़ोटो लेते समय उसे नकली आंखें लगा देते हैं। इवान के दादा ने अपनी वाइफ की फ़ोटो खींचने के बाद उसकी अंगूठी उसके हाथ से निकाल कर एक गरीब लड़की को ज़बरदस्ती पहना कर उसे जिंदा ताबूत में बंद कर दिया। वहाँ जब कुछ किसानों ने इसका विरोध किया तो उन्होंने एक किसान को गोली मार दी और फिर बाकी लोग डरकर भाग गए। इस अनुष्ठान के अनुसार वर्चुअल लड़की को ताबूत में बंद करने के बाद उसे दफन करना शुरू करते हैं और फिर
वो ताबूत खतरनाक तरीके से हिलने लगता है। इसका मतलब ये है कि उस अंगूठी के जरिए मरी हुई प्रेत आत्मा उस वर्जिन लड़की के शरीर में आ गई है। फिर उस लड़की को ताबूत से निकाला जाता है। इवैन के दादा ये इंतजार कर रहे थे कि उस शरीर पर उनकी पत्नी की आत्मा पूरी तरह हावी हो जाए। इसी दौरान उन्होंने अपनी मरी हुई पत्नी की जो फोटो ली थी उसे वो अपने घर में एक सीक्रेट रूम में छिपा कर रख देते हैं। ये वही रूम था जहाँ नास्त्या बच्चियों के साथ गई थी और उसे एक फ़ोटो मिली थी। वो फ़ोटो यही थी द ब्राइड की, और नास्त्या को जो अंगूठी पहनाई गई थी वो भी इसी ब्राइड की थी। यहाँ नास्त्या के साथ वही रिचुअल किया जाने वाला है ताकि द ब्राइड की आत्मा नास्त्या की बॉडी में आ जाए। यहाँ हम आपको बता दें कि इवेंस के दादा के इंतज़ार के बाद उनकी वाइफ इस नई बॉडी में आ जाती है, लेकिन यहाँ अब परिस्थितियाँ बदल चुकी होती हैं। और नास्त्या के विजन में इवैन के दादा के साथ जो औरत थी जिसने इवैन के दादा को मार दिया था वही वर्जिन लड़की की बॉडी में द ब्राइड थी। हम वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं। जब नास्त्या होश में आती है तो वो देखती है कि वहाँ रिचुअल की तैयारी चल रही होती है। वो लोग नास्त्या को दुल्हन की तरह तैयार कर रहे होते हैं। वही नास्त्या इवैन से भी मिलती है, लेकिन वहाँ कई सारे लोग होते हैं। यहाँ एक बार फिर नास्त्या भागने की कोशिश करती है तो ये लोग नास्त्या को पकड़कर उसका हाथ पैर बांधकर उसे एक रूम में बंद कर देते हैं। उस रूम में नास्त्या को एक जिंदा लाश दिखती है जिसे द ब्राइड ने पोजेस किया था। वो धीरे धीरे नास्त्या की ओर बढ़ती है। इससे पहले कि वो नास्त्या को नुकसान पहुंचाती, इवैन नास्त्या को वहां से निकाल लेता है। यहां हम आपको बता दें कि द ब्राइड ने जिस लड़की की बॉडी पर कब्जा किया है वो मर चुकी है, और इसलिए ये लोग अब उस शैतान द ब्राइड को नास्त्या की बॉडी में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। हम वापस चोरी पर आते हैं। इवैन नास्त्या को कार में बिठाकर यहाँ से भागता है। इवैन नास्त्या से माफ़ी मांगता है और उसे बोलता है कि उसका परिवार श्रापित है। वो नास्त्या को बोलता है कि उसकी फैमिली द ब्राइड को तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफ़र करना चाहती थी। इवैन ये भी बताता है कि द ब्राइड की फ़ोटो को जब तक नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक ये चलता रहेगा। तभी नास्त्या इवैन को बताती है कि उसे पता है कि ये फ़ोटो कहाँ है। ये वही सीक्रेट रूम में रखी हुई द ब्राइड की फ़ोटो है। और उसी वक्त उनकी कार का इवैन के परिवार वाले एक्सीडेंट कर देते हैं जिससे इवैन घायल होकर बेहोश हो जाता है। ये लोग नास्त्या को पकड़कर वापस ले आते हैं और फिर नास्त्या के ऊपर रिचुअल की शुरुआत करते हैं। नास्त्या को एक बार फिर वही श्रापित अंगूठी पहनाई जाती है और फिर ये लोग ज़बरदस्ती उसे ताबूत में बंद कर उसे कील मार कर बंद कर देते हैं। नास्त्या लगातार चीख रही होती है। वो इन लोगों से उसे छोड़ने और जाने देने की रिक्वेस्ट कर रही होती है। फिर ये लोग कॉफिन को गड्ढे में डालकर उस पर मिट्टी डालना शुरू कर देते हैं। वहीं कॉफिन के अंदर नास्त्या रो रही होती है, वो चीख रही होती है। तभी नास्त्या की नज़र पोजेस्ड हुई मरी लाश पर पड़ती है। ये शैतान नास्त्या के पास आती है और नास्त्या को भी पोजेस करना शुरू कर देती है ताकि अब वो नास्त्या की बॉडी में ट्रांसफ़र हो सके। यहाँ ताबूत भयानक तरीके से हिलने लगता है और फिर रुक जाता है। वहीं दूसरी तरफ इवैन को होश आने के बाद वो कार से बाहर निकलता है और वापस घर की ओर आता है। यहाँ जब ये लोग उस ताबूत को खोलते हैं तो हम देखते हैं कि नास्त्या पर शैतानी छाया है। वो नास्त्या पर काफ़ी हावी हो चुकी होती है। तभी वो शैतान बोलता है कि ये लड़की वर्जिन नहीं है, और ये सुनते ही वहाँ मौजूद लोग भागने लगते हैं। यहाँ ये लोग समझ जाते हैं कि ये रिचुअल फेल हो गया है और इस रिचुअल के फेल होने की उन्हें अब बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर नास्त्या बेहोश हो जाती है और द ब्राइड नास्त्या की बॉडी को छोड़कर बाहर आती है। द ब्राइड सबसे पहले एग्लाया को जान से मार देती है। उसी दौरान लीजा घर के अंदर जाती है ताकि वो अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भाग सके। तभी वहाँ द ब्राइड आ जाती है। लीजा द ब्राइड को बोलती है कि वो उसके बच्चों को छोड़ दे। वहीं दूसरी तरफ इवैन वहाँ पहुँचता है और वो नास्त्या को ताबूत से बाहर निकालता है। इवैन नास्त्या को सॉरी बोलते हुए रो रहा होता है। तभी नास्त्या होश में आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ द ब्राइड लीजा पर अटैक करती है और उसे खिड़की से बाहर फेंक देती है। लीजा की आवाज़ सुनकर इवैन और नास्त्या भी घर के अंदर जाते हैं। वहीं इवैन के पिता दोनों बच्चों को बचाते हैं और फिर ये बच्चे खुफिया रास्ते के जरिए उस सीक्रेट रूम में भाग जाते हैं। वहीं घर में पहुंचने के बाद नास्त्या भी उन बच्चों के पीछे उस सीक्रेट रूम में जाती है, और उसी दौरान द ब्राइड इवैन पर हमला करती है।
नास्त्या उस सीक्रेट रूम में पहुंचती है जहां वो बच्चे भी होते हैं। तभी वहां द ब्राइड आती है और वो नास्त्या पर भी हमला करती है। तभी नास्त्या के पीछे वहां लीजा पहुंचती है। लीजा नास्त्या की उंगली से अंगूठी निकाल लेती है और उसे बोलती है कि वो बच्चों को लेकर यहाँ से भाग जाए। लीजा को पता था कि उस अंगूठी का द ब्राइड से गहरा संबंध था, इसलिए वो अंगूठी पहन लेती है। तभी द ब्राइड लीजा पर अटैक कर उसे खींच लेती है। इसी दौरान इन लोगों की चीख सुनकर इवान उस सीक्रेट रूम से सटे हुए दीवार को तोड़कर नास्त्या की सहायता से बच्चों को वहां से निकाल रहा होता है। तभी वहां लीजा आती है जिसे द ब्राइड ने पोजेस कर लिया है। लीजा अपनी बच्ची को नास्त्या से छीन कर ले जाती है। इससे पहले कि द ब्राइड उस बच्ची को नुकसान पहुंचाती, नास्त्या वहां उसकी फ़ोटो लेकर पहुंच जाती है। नास्त्या उसे बोलती है कि उसने अगर बच्ची को नहीं छोड़ा तो वो उसकी फ़ोटो को नष्ट कर देगी। तभी द ब्राइड बच्ची को छोड़ देती है। द ब्राइड नास्त्या को बोलती है कि वो उस फोटो को नष्ट ना करे। इसी दौरान वो नास्त्या पर हमला कर देती है। नास्त्या के हाथ से उसकी फ़ोटो गिर जाती है और वो नास्त्या को जान से मारने वाली होती है। तभी लीजा की बच्ची उसे रोकती है। अपनी बच्ची की आवाज़ सुनकर लीजा को वापस सेंस आता है और वो नास्त्या को छोड़ देती है। द ब्राइड वापस से लीजा पर हावी होने लगती है। लीजा नास्त्या को बच्चों का ख्याल रखना बोलकर खुद को ही जलाकर मार देती है। लीजा के इस सेक्रीफाइस से इवान, नास्त्या और दोनों बच्चों की जान बच जाती है और ये लोग वहाँ से चले जाते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एक फैमिली उस घर में आती है और वो उस घर को पसंद करते हैं। वो बोलते हैं कि पेंट और थोड़ा रिपेयर करने के बाद ये घर रहने लायक हो जाएगा। तभी एक दीवार के होल में उनकी नज़र जाती है और उस सीक्रेट पैसेज में उन्हें द ब्राइट दिखती है और मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। आप सबको हम ये बताना चाहते हैं कि द ब्राइट का बहुत ही जल्द इंग्लिश रीमेक आने वाला है। लायंस गेट ने द ब्राइट के राइट्स खरीद लिए हैं और अब ग्लोबल गेट एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर द ब्राइट का इंग्लिश रीमेक बनेगा। आप सभी को हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। यदि आपने अभी तक हॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हॉलीवुड डायरी को प्यार देने के लिए बहुत शुक्रिया, लेकिन याद रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।